तो कुल 500 किलोमीटर दूरी थी, भाड़ा था 16,500, जबकि भाड़ा लगा था 19,000 रुपए। और वो तो गुरु फाइनली जो है वो गाड़ी देखिए हो गई लोड, सब घर का सामान वामान जो है। तो दोस्तों इस वाले टोल पे आ गए और इस वाले टोल पे ये फास्ट टैग देना पड़ेगा। उस फास्ट टैग को जो है कैंपर है, ये सब मुंबई से आ रही है और ये सब यूपी ही जाएंगी, मतलब यूपी जाती हैं सब पटना। तो गुरु मैं ये रीवा जो है वो क्रॉस हो गया रीवा, और क्या बोल चोर लग रहा है और वीडियो बन रहा है। महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु आपको पता है पिछले वाली वीडियो में कि हम जबलपुर आए थे और जबलपुर से निकले ऑन द वे ही है, मतलब रास्ते में है। पिछले वाली वीडियो एंड करनी पड़ी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती जिसकी वजह से। तो अब हम जा रहे भैया गाड़ी खाली करके घर, ठीक है घर जा रहे हैं अब क्योंकि कल का निकले हुए रात के 10 बजे का, और आके रास्ते में सो गए। उसके बाद जो है कंटिन्यू सुबह 6:30 बजे चले हैं, तो 6:30 बजे चले थे तो फिर पहुँचे हैं यहाँ पर 3 बजे के आसपास, और फिर खाली वाली करके जो है निकल के आ गए हाईवे पे। और चलिए अब आज का सफ़र जो है घर जाने का शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे बताएंगे, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों इस वाले टोल पे आ गए और इस वाले टोल पे ये फास्ट टैग देना पड़ेगा। उस फास्ट टैग को जो है छुपाना पड़ेगा मोबाइल के ग्लास से ताकि उससे पैसे ना कटे। एक टोल पे दोनों साइड से कटा है तो कोशिश करूँगा उस टोल पे उसी से कटे, इससे ना कटे। क्या बोलूँ अभी इन लोग को भाई, मतलब क्या सिस्टम है यार, अपने को तो थोड़ी पता है कौन सा टैग लगता है कौन सा नहीं लगता है। क्योंकि मान लीजिए अगर मुझे पता भी हो या कुछ लोगों को पता भी हो तो हर लोग को तो नहीं पता होगा ना, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा जनसंख्या तो अनपढ़ है यहाँ पे। अब पढ़े भी हैं तो उनको फास्ट टैग के बारे में क्या पता है कि घंटा कौन सा फास्ट टैग लग रहा है। तो खैर आ गए टोल पे, चलिए टोल लगाते हैं क्योंकि उसमें मोबाइल लगाना पड़ेगा नहीं उससे भी पैसे कट जाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से टोल क्रॉस करके। तो गुरु जो है मैं वो टोल क्रॉस करके आगे आ गया और जगह पे देखिए, जगह यहाँ पे मुझे खास उतना कुछ पता है नहीं देखिए उतना, तो ठीक है यार जो भी है। हमारे सामने जो जा रही है नई कैंपर है, ये सब मुंबई से आ रही है और ये सब यूपी ही जाएंगी, मतलब यूपी जाती हैं सब पटना जाएंगी, और क्या बोलते हैं कि बिहार में पटना है भाई, पटना जाएंगी, अगरतला तक जाते हैं ये लोग लेके यहीं से। तो क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ भी हैं जो लेके जाते थे तो बताए हैं वही लोग ये सारी गाड़ियाँ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अपन चलते हैं फिर मिलते हैं आगे आप सभी से। तो ये देखिए बन रहा है रोड और इस पे गर्दा देखिए, वाह वाह वाह, शाबाश। ये देखिए आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा और धूल उड़ा है बस, और कुछ है नहीं। मैं हाँ इसी से आया था शायद, हाँ इसी से आया था, उधर घूम गया था। देखिए उसमें से गाड़ी आ रही है लाइट जला के, क्या धुआं है कोहरा है क्या है भैया, क्योंकि लाइट जलाना पड़ेगा नहीं तो किसी को दिखेगा ही नहीं। ये तो धुआं है भाई, कहीं आग लगी है क्या सिस्टम है, दिन में अंधेरा हो गया अभी इतने ही दूर बाहर निकले, देख रहे हैं उजाला, हद है मालिक। गजब। तो भाई कटनी जो है हम क्रॉस कर चुके हैं अभी फिलहाल, ये हम हैं कटनी से बस मुश्किल से 2-4 किलोमीटर आगे हैं। तो भाई इस बार गलती से सिटी में नहीं घुसे, सिटी के बाहर बाहर आ रहे हैं और ग्लास गंदा है, कहीं रुकेंगे तो थोड़ा हल्का होंगे, मतलब टॉयलेट करेंगे और उसके बाद जो है ग्लास व्लास या शीशा वीशा साफ़ करेंगे पूरा अच्छे से, शीशा वीशा साफ़ करके उसके बाद जो है निकलेंगे। तो अब सीधे कहीं कुछ खाएंगे पियेंगे, वहाँ रुकेंगे और उसके बाद सीधा घर पे, मतलब अब दो जगह यहाँ रुकेंगे और एक जगह खाना खाने, और सीधे तीसरा जो दूसरा पहला ये दूसरा हाँ तीसरा स्टॉप होगा वो होगा घर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पहले कुछ नाश्ता वास्ता मिल जाता है तो कर लेते हैं। तो भाई मैं जो है मैहर क्रॉस होके अभी फ़िलहाल जो है वो आ चुका हूँ, मैं जहाँ सुबह खाना खाया था जिस होटल पे, उस होटल पे आ गया हूँ ये देख सकते हैं। तो अब चल रहे हैं यहीं पे खाना खाने वापस से क्योंकि लग गई है भूख, सुबह 10 बजे यहाँ खाना खाए थे और अभी बन गए हैं 8:30, मतलब 1.5 घंटे कम, वरना हम मतलब वही समझ लीजिए 10.5 घंटे में यहाँ से गए और वापस यहाँ फिर आ गए। तो चलिए चलते हैं पहले होटल पे फिर खाना वाना खाते हैं, तो मिलते हैं आप सभी से।
तो भाई मैं होटल पे आ चुका हूँ और ये होटल है, मतलब सुबह में ये सब कुर्सियाँ खाली थी, अभी मतलब खोली वोली चढ़ा के कुर्सी पे मस्त एकदम उसको बना दिया गया है। ऑर्डर दे दिया हूँ खाना मैं, मिक्स वेज और रोटी, क्योंकि सुबह पनीर खाया था तो शाम को भी पनीर खा नहीं सकते हैं, और बाहर का रोज़ रोज़ खा रहे हैं भाई, अब हमेशा से आदत ही है रोज़ रोज़ का, क्या ही कहना है। तो ठीक है यार, तो मिक्स वेज ऑर्डर किया हूँ और रोटी, तो आने दीजिए फिर खाते हैं, तो मिलते हैं आप सभी से। तो भाई बैठे बैठे अभी ऑर्डर आने में समय है तो कुछ समझ नहीं रहा है, तो आपको ऊपर दिखाता हूँ चांद, उसका मैं फ़ोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ। ये वो चांद है, इससे कितना जूम होता है देखते हैं। तो भाई आ गया अपना मिक्स वेज, ये देख सकते हैं, और साथ में प्याज और अचार, रोटी आता है पहले भिड़ाते हैं भाई क्योंकि कस के भूख लगी है, फिर मिलते हैं। तो गुरु खाना खा के जो है मैं निकल चुका हूँ, अब रीवा की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ से रीवा की जो दूरी है वो तकरीबन होगी 20 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा तो 20-22 किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो 20 मिनट यहाँ से रीवा जाने में लगेगा, और रीवा से जो है 1.5 घंटे मुझे, 2 घंटे यहाँ से पकड़िए, 2 घंटे में मैं हनुमना हो जाऊँगा। तो वही 11:30 बजे के आसपास मैं हनुमना हो जाऊँगा, और वहाँ से 2 घंटे जो है मुझे घर जाने में लगेंगे। तो अभी टोटल मुझे 3.5 घंटे लग सकते हैं टोटल, अगर हनुमना में यहाँ से 2 घंटे में पहुँचा तो, और बाकी देखते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे आप सभी से। तो गुरु मैं ये रीवा जो है वो क्रॉस हो गया रीवा, और क्या बोलते हैं कि अभी जस्ट पीछे ही रीवा छूट रहा है, ये हाईवे है, टोल क्रॉस हो गया क्योंकि ट्रैफिक था टोल पे तो क्रॉस होना पड़ा। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ से अब सीधे हनुमना और हनुमना से घर। तो हमें जितने भी टोल हैं वो टोल बेसिकली मुझे टोल देखिए क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि सारे टोल सुबह 6 बजे, अगर मैं कहीं सोता हूँ, अगर मैं गलती से भी कहीं सोता हूँ तो मेरी नींद जो है वो खुलेगी तकरीबन 6-7 बजे। अगर मेरी नींद 6-7 बजे खुलती है तो फिर से टोल जो है वो पूरा हो जाएगा, जितना लगा था उतना लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा टोल डबल है तो डबल कट जाए जाते टाइम, अब उसी डबल डबल टोल ना लगे, 1.5 टोल में जो है काम हो जाए भैया। तो चलिए देखते हैं। तो गुरु पहुंच गए हनुमना और बज गया 11, मतलब मेरा अंदाज़ा जो था वो बहुत सही था, और मैं 11 बजे पहुंच चुका हूं हनुमना। अब यहां से 2 घंटे और, मतलब गाड़ी खींचम खींच जाएंगे तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम घर। तो वही 1.5 बजे के आसपास जो है मैं घर पे रहूँगा, पर लग रही है भाई नींद। अगर एक और टोल है वो क्रॉस हो के अगर हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो भैया हम जो है कहीं लगा के जाएंगे सो, क्योंकि अब देखिए मेरे बस की बात है नहीं उतना। ये देखिए मेरे गाड़ी का नंबर सब बता रहा है, ये टोल वाले साले हरामी है भाई, सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बैठे रहते तो पता नहीं काहे नहीं खुलता है, ये लोग नहीं रहते हैं टोलवा अपने आप खुल जाता और हम लोग निकल जाते हैं, क्या बकचोदी है यार। तो भाई ये देखिए पहाड़ पे से जो रोड नीचे गया वो ऐसा कुछ दिखता है ऊपर से, और नीचे पूरा जो है शहर मिर्ज़ापुर बसा हुआ है, पर सड़क अच्छी लग रही है भाई यहाँ से देखने में। तो भाई नीचे उतर रहा हूँ मैं बिना एक्सीलेटर और बिना किसी चीज़ का, बिना गियर की गाड़ी, न्यूट्रल है गाड़ी, स्टार्ट है भाई। गाड़ी ढलान पे अगर कभी न्यूट्रल करके उतार रहे हो तो गाड़ी कभी बंद मत करना मेरे दोस्त, ना तो ब्रेक लगेगी और ना ही कुछ होगा, और गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो हो जाएगा लॉक, तो उससे आपकी जान जा सकती है, आपके साथ हादसा हो सकता है। गाड़ी आपकी स्टार्ट रहे, आप न्यूट्रल कर दीजिए और आराम से उतरिए, ज़्यादा लंबा वो हो तब देखिए ब्रेकर आ गया, कूदे की बड़ाम बड़ाम भैया, तो ऐसा कर सकते हैं आप, बाकी ज़्यादा कुछ करने की कोशिश ना करें दोस्त, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये देखिए नीचे का सड़क, जो नीचे जाना है हमें वो सड़क यहाँ से ऐसी दिख रही है भाई, बहुत प्यारा। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। तो अभी जो है मैं घर पे आ गया था रात को 2 बजे, मतलब 2:30 बजे एकदम एग्जैक्ट 2:32 पे मैं जो है घर पे आया था रात को, और सो गया, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है। नहा धो के वापस से मैं निकला हूँ, एक लोकल भाड़ा है बनारस लेके जाना है,
तो क्या बोलते हैं कि यहाँ से निकला हूँ और अभी चलूँगा रोड पे, वहाँ से फिर गाड़ी का हवा हवा चेक कराना था, पर लोकल भाड़ा मार के आएंगे तो सब चेक कराएंगे। आंखें देख सकते हैं मेरी, मैं अभी भी नींद में ही हूँ, मेरे को नींद लग रही है नहाने के बाद तो और वही तगड़े वाली। तो चलिए इसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, तो चलते हैं लोडिंग पॉइंट पे, तो मिलते हैं वहाँ आप सभी से। तो गुरु ये हम निकल चुके हैं, ये सामने है स्कूल और चुंडी के घर के साइड से ही जहाँ से जाते हैं वहीं से जाएंगे। और अरे टर्निंग भाई, छोटे छोटे सड़कों पर टर्निंग इतनी भयंकर वाली होती है ना, क्या बताएं। तो चलिए अब यहाँ से चला जाए, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे रोड पे। तो भाई पहुँच गए हाईवे पे और घर आ गए। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं कि नींद भी लग रही है। मैं कई दिनों से ढंग से नहीं सोया हूँ, अब ढंग से सोना है भाई। भाई लोडिंग पॉइंट पे जो है मैं पहुंच चुका हूं और मेरी गाड़ी जो है वो लोडिंग होना चालू हो गई है। लोडिंग करके यहां से जाना ज़्यादा दूर नहीं, बनारस ही जाना है भाई, लोकल भाड़ा है इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं कि जनरेटर वनरेटर सब लोड हो रहा है और वही सब लोड करके इसके बाद निकलेंगे सुंदरपुर, खाली करके वापस घर आ जाएंगे। और हाँ, आज रात में निकल जाएंगे अंबिकापुर, शाम तक कहीं और का भाड़ा आ जाए तो अलग बात है, अगर नहीं आता है तो फिर अंबिकापुर तो जाना है, रात को निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं लोडिंग हो रहा है जो। तो गुरु फाइनली जो है वो गाड़ी देखिए हो गई लोड, सब घर का सामान वामान जो है लोड हुआ है। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, आगे देखिए इन्होंने क्या क्या डाल दिया है महाराजा को, वो पूरा फुल कर दिए, शीशा उसा डाल दिए, ये शीशा उसा रख दिए हैं, चदरा मेरा ऐसे है यहाँ पे, वो सब रख दिए हैं सामान ये, जबकि आगे वहाँ रखा सकता था। इसको रखने की मैं कोशिश करता हूँ, तब फिर पहले इसको रख लेता हूँ भाई, फिर मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। तो गुरु फाइनली जो है वो हो गई लोड और अब यहाँ से मैं जो है घर सामान भाई देखो, तो फाइनली अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ घर मतलब खाली करने के लिए। सुंदरपुर मंडी के पास ही जाना है, दूर देखिए जाना है नहीं, मतलब सुंदरपुर मंडी से बोले हैं बगल में एक गली है, उसी गली में जाना है। तो गाड़ी को करते स्टार्ट और यहाँ से निकलते हैं, रवि को लेना है, वो बोला मैं भी चलूँगा, तो चलते हैं रवि के पास, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो भाई जो है गाड़ी लोड हो गई, लोड होके निकल गई और रविया को ले लिए, बहुत दिन बाद गाड़ी, यही सब रईस लोग है सेठ, मतलब बिरयानी खाया है नहीं आते कत्तम टूटी पड़ी ना इसको बोला गाड़ी पे चलेगा बनारस जाना है तो बोलता है बिरयानी खिएबे, तब हमको जब इतना मर गया है तो बिरयानी खा लेना। वैसे भी किसी ने मेरे को बोला गरीबों को दान मांग कर देना, अन्न दान भाई रिचार्ज भी करवा दो। तो भाई इतना खराब रास्ता है, खाली टोल बचाने के लिए इसमें से जाना पड़ रहा है, तो क्या बताऊं मैं, पूरा गर्दा गर्दा हो गया है। और इसके बाद जो है आगे और भी खराब रास्ता है, अभी वो गांव सामने दिख रहा है ईंट का भट्टा चिमनी, तो वो चिमनी के पास जाना है। तू का ठोक रहा है ससुरार हमारा भाई, ये चुंडी से भी बकलंड है, अभी इसके बारे में नहीं जानते ढेर ज्यादा, उससे वो तो लंट है ही, माँ लंट है उसकी आता कैसा है देखो तो गुरु पहुंच चुके हैं हम लंका पे और देख सकते हैं शाम का टाइम है और पूरा ट्रैफिक मतलब एकदम खचाखच लंका चौराहा भरा हुआ है, देख सकते हैं इधर। और जिन लोगों को ट्रैफिक क्लियर करानी चाहिए, देखिए कार के उधर खड़ा होके ये चलान कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, इनको ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं है देखिए। और ये लोग जो है अपना वो क्या बोलते हैं, बस घूम घूम के गाड़ियों का वीडियो बना रहे हैं, जो गलत होगा उसका चलान कर देंगे बस, हद है यार। चोर लग रहा है और वीडियो बन रहा है भाई खराब है। तो गुरु जो है कल गाड़ी खाली करके बनारस से मैं और रवि आ गए घर पे, अभी मैं हूँ घर पे और उसके बाद जो है अभी जाना है भाड़ा है। और मैं जबलपुर गया था, जबलपुर से आया, यही वीडियो कंटिन्यू है भाई।
तो जबलपुर का जो भाड़ा लगा था वो मैं आपको भाड़ा बता देता हूँ कि जबलपुर मैं बनारस से गया था, ज़्यादा नहीं माल था, कुल चार पाँच छः कुंटल के आसपास ही था, ज़्यादा था नहीं, तो पाँच छः कुंटल माल था और दूरी जो थी वो थी 470 के आसपास पड़ जाती है। मतलब अगर कुल मिलाऊँ मैं घर से 30 किलोमीटर वो भी जाने की, तो कुल 500 किलोमीटर दूरी थी। भाड़ा था 16,500, जबकि भाड़ा लगा था 19,000 रुपये और वो 2,500 रुपये रख लिए। मेरी बात जो है वो बात हुई थी सिर्फ और सिर्फ 16,500 में, तो 16,500 में भी मेरे को ठीक ठाक पड़ गया भाई, क्योंकि 6,000 की डीजल पी, 3,500 रुपये खर्चा लग गया, मतलब रोड खर्च, टीपी और टोल का, टोल अगर गड़बड़ाया नहीं होता तो मेरा काम हो जाता यार। ठीक है, तो कुल 3,500 का 4,000 पकड़ लीजिए, तो कुल यही 10,000 रुपये के आसपास ये खर्चा हो गया और 500 ऐसे हुआ होगा, तो वही हो गया, जो बचा वही बचा। तो जबलपुर से खाली करके आए, फिर उसके बाद जो है कल वाला भाड़ा लेके गए थे बनारस 2,700 रुपये में, 30 किलोमीटर दूरी थी। तो यही सब था यार, तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।